गुड मॉर्निंग गाइस, मैं स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एग्जाम पर। दोस्तों मैं आपके सामने आ चुका हूं। आज है हमारा सैटरडे और जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि सैटरडे की क्लास बहुत स्पेशल होती है। सैटरडे वाले दिन हम रिवीजन करते हैं हमारे सारे वीक का, यानी कि हमने मंडे टू फ्राइडे जितना भी हमने सिलेबस खत्म किया है, जितना भी कम्प्लीट किया है, उसको हम क्या करते हैं, पूरा रिवाइज करते हैं। यानी कि आपने मंडे को जो पढ़ा होगा, ट्यूजडे को जो पढ़ा होगा, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे, पांच दिन का आपका जो जितनी भी वोकैब हमने कराई है उसका निचोड़ आज हम कवर करने वाले हैं। क्लियर हो रही है बात सभी को यहाँ तक? तो बिना टाइम गवाए अपनी क्लास को शुरू करेंगे। आज स्पेशल बात इसलिए भी होगी क्योंकि क्या है, हाँ तो मैं आपसे क्या कह रहा था कि हाँ मैं आपसे कह रहा था कि जो भी हमारी क्लास हुई है आज उसको हम करने वाले हैं। तो पहला जो सेक्शन था आपका मंडे वाले दिन, हमने कवर किया था आपके सिनोनियम। तो यहाँ पर जो है वहां पर आपकी क्लास को पूरा कराया गया, यानी कि चारों ऑप्शंस को बताया गया। यहाँ हम उस केवल जो हमारा मेन वर्ड होता है उसको लेंगे, उसका साथ साथ सिनोनियम लेंगे, क्या उसकी ट्रिक हो सकती है और क्या उसका मीनिंग होगा। तो यहाँ पर हम कंप्लीट बात करने वाले हैं। क्लियर हो रही है बात? तो जो बच्चे पहली बार क्लास में आए हो वो इस क्लास को लेंगे, फिर वो मंडे टू फ्राइडे वाली क्लास में जाएंगे, और जो मंडे टू फ्राइडे कवर किया है वो आज इस क्लास से रिवीजन करेंगे। तो क्लियर हो रही बात? सभी लोग तैयार हो जाओ, बहुत मजा आने वाला है, बहुत सारे मेरे पास यहाँ पर वर्ड है। क्लियर हो रही बात? तो पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, पहला वर्ड जो आपके सामने है उसको लिखते हैं। पहला है आपके सामने डेफर। क्या है आपके सामने? पहला वर्ड डेफर। डेफर का जो मीनिंग होता है वो क्या होता है आपका? स्थगित करना। क्या करना? स्थगित करना। जिसका सिनोनिम क्या होता है आपका? पोस्टपोन। क्या होता है? पोस्टपोन। किसी भी चीज को आगे बढ़ा देना, पोस्टपोन कर देना, उसको हम क्या बोलते हैं आप? डेफर। क्लियर हो रही है बात? लेकिन बात हमारी यहाँ तक खत्म नहीं हो जाती क्योंकि आपका वर्ड है डेफर। तो अगर यहाँ पर ट्रिक बता दी जाए, यहाँ पर अगर आपको ट्रिक बता दी जाए तो आपके लिए वो कैसा हो जाएगा? सोने पे सुहागा। क्लियर हो रही बात? तो यहाँ पर जो है आपके सामने ट्रिक को बताया जाएगा। तो ट्रिक आपके सामने जो डेफर की निकल करके आती है वो क्या है? डफर। सर ये कैसे? अरे सुनो, कहते हैं अरे डफर तूने ये वाला काम नहीं किया, अरे डफर। आपने कभी कभार अपने टीचर्स के मुझसे ये सुना होगा, डफर वर्ड जो है वो टीचर अक्सर यूज करते हैं। घर वाले भी कभी कभार, हमारे जो पिताजी हैं वो भी जो है नालायक, डफर, गधा, काम नहीं करता, कोई काम नहीं करता, इस तरीके से यूज करते हैं। तो वहां पर वो यूज करते हैं अरे डफर तूने इस काम को नहीं किया, मतलब तूने काम को अभी तक किया ही नहीं है, और तू डफर सारे काम को क्या करता रहता है? टालता रहता है, ऐसे बोलते हैं। तो वहां से हम डफर को डफर से याद कर लेंगे। क्लियर हो रही बात? अगला हम जो वर्ड लेने वाले हैं वो है हमारा यहाँ पर एपिडेमिक। क्या है हमारे सामने नेक्स्ट वर्ड? एपिडेमिक। एपिडेमिक का आपका जो मीनिंग होता है वो होता है आपका महामारी। क्या होता है? महामारी। महामारी को आप बोलते हैं वाइड स्प्रेड। क्या बोलते हैं? वाइड स्प्रेड। क्लियर हो रही है बात? तो देखिए एपिडेमिक को याद करने की कोई ट्रिक खास नहीं है क्योंकि जो आप सभी लोग इस वर्ड से बहुत अच्छे से परिचित हैं। एपिडेमिक क्या होता है आपका? जो महामारी होती है जो एक बड़े एरिया में फैलती है, और एंडेमिक क्या होता है? जो आपके छोटे एरिया में बीमारी फैलती है। तो एपिडेमिक को आप याद कर लेना, महामारी यानी कि वाइड स्प्रेड। ठीक है, अगले वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड यहाँ पर है आपका फोर्सवेयर। क्या है आपका? फोर्सवेयर। फोर्सवेयर का आपका जो मीनिंग होता है वो क्या होता है आपका? किसी भी चीज को शपथ पूर्वक त्यागना, यानी कि किसी भी चीज को छोड़ देना कि भाई आज के बाद मैं ऐसा काम नहीं करूंगा। आप किसी भी चीज को शपथ पूर्वक जब त्याग देते हैं तो वहां पर आप यूज करते हैं फोर्सवेयर। क्लियर है? अब जो है इसका क्या चाहिए? हमें सिनोनिम चाहिए क्योंकि आपका सिनोनिम क्या है? त्यागने से रिलेटेड है। तो हम यहाँ पर क्या है? फोर से लिख सकते हैं। क्लियर हो रही बात? क्वेश्चन आता है क्या इसको याद करने का तरीका, तो आप सभी लोग जानते हैं अब अक्सर यूज करते हैं आई स्वेयर मैंने ऐसा काम नहीं किया, आई स्वेयर मैं बहुत कसम खा के बोलता हूँ कि मैंने ऐसा कि नहीं किया। तो स्वेयर से आप याद कर लेना तो शपथ पूर्वक किसी बात को हमने कहा है। क्लियर हो रही है बात? नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। ठीक, क्या है आपके सामने नेक्स्ट वर्ड? अगला वर्ड है आपके सामने यहाँ पर गैरुलस। क्या है आपके सामने अगला वर्ड? गैरुलस। ये आपके सामने अगला वर्ड आ गया। क्या आ गया? क्या आ गया आपके सामने? गैरुलस। गैरुलस का सभी लोग जानते हैं क्या मीनिंग होता है? बातूनी। जो बहुत ज्यादा बात करे तो क्या बोलते हैं आप? गैरुलस। इसका सिनोनिम क्या हो जाता है आपका? टॉकेटिव। क्या हो जाता है? टॉकेटिव। क्लियर हो रही है बात? अब
गैरुलस वर्ड को याद करने की जो ट्रिक है बड़ी शानदार है, क्या है? गर्ल रूल प्लस अस, ठीक है, इसको इस तरीके से याद कर लेना। आपको ये याद करने के लिए बता रहा हूं, क्या पता हो ऐसा हो, क्या पता नहीं भी हो, ठीक है। तो मान लो भाई आपकी शादी हो जाती है, अगर है ना हो के जाती है, अगर क्या बोल रहे हो सर, शादी नहीं होगी हमारी, है ना, है क्यों हमें गुस्सा दिला रहे हो। जब भी हमारी शादी होगी तो क्या है ना लड़के लोगों सुनो आपके लिए, तो क्या है जैसे आपकी शादी होगी तो क्या हो सकता है, हो सकता है भाई आपको क्या क्या खाना बनाना पड़े भाई, मजबूरी क्या भी हो सकती है भाई, कुछ भी हो सकता है ना, है ना। क्या सोचे बैठे हो कि क्या नाम है कि सुबह जो है आपको गरम गरम चाय मिलेगी, क्योंकि आप जो है पूरे दिन ऑफिस से काम करेंगे और आपकी जो हाउस वाइफ होगी वो आपको शाम के टाइम गरम गरम चाय ला कर देगी, लेकिन क्या पता उल्टा हो जाए और आपको जो है आकर के चाय भी बनानी पड़े। तो ऐसा मान सकते हैं कि गैरुलस को आप तोड़ लीजिए गर्ल रूल अस, यानी कि शादी के बाद घर पे किसका शासन होता है, बीवी का शासन होता है, किसका शासन होता है, बीवी का। तो गर्ल रूल अस करती है शादी के बाद, क्लियर हो रही है बात। तो यहाँ पर ऐसे फनी वे में याद कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, जो भी है ये सब काल्पनिक बातें हैं, मजे की बातें हैं, हंसी मजाक की बातें हैं। यहाँ पर मेरा मकसद था आपको याद कराना, जो ऐसे मैंने आपको यहाँ से याद कराया, क्लियर हो रही है बात। आगे बढ़ते हैं फिर, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हर एक वर्ड को कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर ट्रिक से याद करने की बहुत अच्छे तरीके से, क्लियर। चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। ओके, तो नेक्स्ट वर्ड है यहाँ पर आपके सामने हेराल्डेड। क्या है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5, क्या आने वाला है आपके सामने हेराल्डेड, क्या आने वाला है आपके सामने अगला क्वेश्चन हेराल्डेड। ये जो हेराल्डेड वर्ड है इसका जो मीनिंग होता है वो होता है घोषणा करना। अगर आपने कभी भी न्यूज़पेपर पढ़ा हो, नेशनल हेराल्ड करके एक न्यूज़पेपर आता है जिसमें जो है न्यूज रहती है, क्या रहती है, न्यूज रहती है, तो वहां से आप न्यूज़पेपर से याद कर सकते हैं कि न्यूज़पेपर क्या करता है, घोषणा करता है, किसी भी चीज की क्या करता है, घोषणा करता है। तो आप हेराल्ड को किस तरीके से याद कर सकते हैं, न्यूज़पेपर के थ्रू। क्या मीनिंग होता है ऐसा, घोषणा करना यानी कि प्रोक्लेम, क्या होता है, प्रोक्लेम, क्लियर होने के बाद। तो इसकी जो ट्रिक है वो आप क्या से याद कर लो, उसके हेराल्ड न्यूज़पेपर से, हेराल्ड न्यूज़पेपर से, किससे, हेराल्ड न्यूज़पेपर, क्लियर होने के बाद। यहां तक बात क्लियर, अब नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड यहाँ पर आपका दे रखा है इंट्रिपिड, क्या दे रखा है आपके सामने, अगला वर्ड दे रखा है इंट्रिपिड, क्या दे रखा है इंट्रिपिड। इंट्रिपिड का जो मीनिंग होता है क्या होता है, बाधा, किसी, सॉरी, इंट्रिपिड क्या मीनिंग होता है, जो साहसी होता है, कैसा होता है, जो साहसी होता है, जिसको बिल्कुल भी जरा सा डर ना लगे, जो बिल्कुल कैसा हो, जिसको जरा सा भी डर ना लगे वो क्या होता है आपका, साहसी। तो इंट्रिपिड हम यूज करते हैं साहसी के लिए। और आपका ये वर्ड है यहाँ पर इंट्रिपिड, जिसको आप क्या सिनोनिम बोल सकते हो, फियरलेस, क्या हो गया इसका सिनोनिम यहाँ पर आपका, फियरलेस, क्लियर हो रही है बात यहाँ तक। तो यहाँ हमारे सामने कौन सा वर्ड है आपका इंट्रिपिड, जिसका क्या मीनिंग होता है आपका, कैसा, साहसी, जिसको आप क्या बोल सकते हो, फियरलेस। क्योंकि बात आती है इसकी ट्रिक की, तो आप याद कर लो इंट्रेप, इंट्रेप है ना, ट्रैप मतलब क्या होता है, चाल। तो इंट्रिपिड साउंड्स लाइक इन ट्रैप, कैसा साउंड कर रहा है ये, इन ट्रैप जैसा, तो आप जो है वो ट्रैप में नहीं फंसते क्योंकि आप जो कैसे हो, साहसी हो, क्लियर हो रही है बात। अगले वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका लग्जीरियंट, लग्जीरियंट का आपका मीनिंग होता है प्रचुर, जिसको आप लश भी बोलते हैं। इसकी जो ट्रिक है आप देख लीजिए, लग्जीरियंट को आप याद कर लीजिए लग्जरी से, मेरी लाइफ बड़ी लग्जरी है, और जिसकी लाइफ लग्जरी होती है उसके पास हर चीज कैसी रहती है, क्वांटिटी में रहती है। मान लो आपकी लाइफ लग्जरी है, अगर आप बहुत करोड़पति हो तो आप कैसे कैसे लाइफ जियोगे, बहुत अच्छी लाइफ जियोगे, आपके पास सारी चीजें होंगी, तो आपके पास पैसों का क्या होगा, भंडार होगा, गाड़ियों का क्या होगा, भंडार होगा, तो आपके पास हर चीज जो है वो प्रचुर मात्रा में होगी। तो लग्जीरियंट को आप लग्जरी से याद कर सकते हैं, क्लियर हो रही है बात। नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। अगला वर्ड है यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 8, मेहम, क्या है आपका, मेहम, मेहम, मेहम का मतलब होता है आपका विनाश, जिसको आप क्या बोलते हो, हैवॉक, क्या बोलते हो उसको, हैवॉक। हैवॉक को तो याद करना बड़ा आसान है भाई, हवा चली, हवा चली, जब तेज हवा चल जाए तो क्या हो जाता है, सब जगह क्या हो जाती है, तबाही आ जाती है, सब जगह आ जाती है, तबाही आ जाती है। तो हैवॉक को याद करने की ट्रिक तो आसान हो गई, लेकिन क्या हमें मेहम की ट्रिक को भी बताना चाहिए, ये क्या है आपका, HEM, है ना। तो मेहम को याद कर लो, मेहार। अब आप खुद देख लो,
कौन सा महीना चल रहा है, ये मई का महीना चल रहा है, मई का महीना चल रहा है। तो मई के महीने में भैया बड़ी गर्मी रहती है, बड़ी तबाही आ जाती है। गर्मी के कारण क्या हो जाता है, जंगलों में आग लग जाती है, तबाही आ जाती है। इस तरीके से आप मेहम को भी याद कर सकते हैं। क्लियर हो रही है बात? यहाँ पर हर एक वर्ड को ट्रिक से याद कर रहे हैं, फटाफट से इसका जो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पढ़ते हैं फिर हम अपन आगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड है यहां पर आपके सामने क्वेश्चन नंबर जो 9 है आपका, ऑब्सिक्वियस। ऑब्सिक्वियस का आपका जो मीनिंग होता है वो क्या होता है, आपका चापलूस, जिसको आप क्या बोलते हो, सर्वाइल। सर्वाइल को याद करना आसान है, सर्वेंट। सर्वेंट कैसे क्या करता है, चापलूसी करता है, इस तरीके से, ठीक है। अब आपको याद करना है ऑब्सिक्वियस। तो अगर आप ध्यान से देखें तो जैसे मैं बोल रहा हूं ऑब्सिक्वियस, क्या बोला मैंने, ऑब्सिक्वियस, तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं बोल रहा हूँ बॉस, ऑब बॉस, या इस तरीके से मैं बोल रहा हूँ। तो जैसे मैं बोलता हूँ ऑब्सिक्वियस तो मेरे साउंड आता है बॉस का, तो जो बॉस है उससे कैसे करनी पड़ती है, क्या करनी पड़ती है, बॉस से चापलूसी करनी पड़ती है। क्या करनी पड़ती है, बॉस की चापलूसी करनी पड़ती है। तो आप यहां से इस तरीके से इसको याद कर सकते हैं। क्लियर हो रही है बात? नेक्स्ट वर्ड लेते हैं आपका अगला, पायस। पायस मतलब होता है आपका पवित्र, या जो धर्म से रिलेटेड होता है, किससे, धर्म से संबंधित, है ना, जिसको आप क्या बोल सकते हो, इसका क्या हो जाता है सिनोनिम आपका, रिलीजियस। क्या हो जाता है, रिलीजियस। क्लियर हो रही है बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसको आप सभी लोग याद कर लोगे, पायस, आप बचपन से आप पढ़ते आ रहे हो, पायस से क्या मीनिंग होता है आपका, पवित्र। क्लियर हो रही है बात? फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर आपका जो 11 है वो है आपका एडमोनिशन। क्या है आपका अगला क्वेश्चन, एडमोनिशन। एडमोनिशन का आपका जो मतलब होता है वो क्या होता है, आपका चेतावनी। क्या होता है, चेतावनी, जिसको आप क्या बोल सकते हो भाई, एडमोनिशन मतलब क्या है, चेतावनी, जिसको आप क्या बोलते हो, वार्निंग। क्या बोलते हो, वार्निंग। क्लियर हो रही है बात यहां तक? अब एडमोनिशन को याद करना है तो आप याद कर लो इसको मनीष से। एडमोनिशन साउंड्स लाइक मनीष, तो मनीष को चेतावनी दी गई इसके टीचर के द्वारा कि कल से आपको क्या है, अपना होमवर्क करके लाना है। तो एडमोनिशन साउंड्स लाइक मनीष, और मनीष को क्या दी गई है, चेतावनी दी गई है। क्लियर हो रही है बात? आगे बढ़ते हैं, आप नेक्स्ट की तरफ लेते हैं, नेक्स्ट वर्ड लेते हैं आपका। नेक्स्ट वर्ड है यहाँ पर आपका अप्रेज। क्या है आपका अगला क्वेश्चन, अगला वर्ड, अप्रेज। ये सारे वर्ड आपको आपके प्रीवियस क्लास में मिल जाएंगे, ये वाले यहाँ से ट्यूजडे वाले स्टार्ट हो गए, ठीक है। अप्रेज का क्या मीनिंग होता है आपका, मूल्यांकन करना। क्या करना, मूल्यांकन करना, जिसको आप क्या बोलते हो, जज। क्या बोलते हो आप, जज करना। क्लियर हो रही बात? तो अप्रेज को आप याद कर लो प्रेस से। मान लो आपको प्रेस खरीद के लाए, आयरन खरीद कर लाए, और आप चेक कर रहे हो उसको। जब भी आप आयरन खरीद के लाते हो, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान लेकर के आते हो, तो आप क्या बोलते हो कि भाई मेरे को इसको क्या करना है, इसका मूल्यांकन करना है, इसको जज करना है, ये कौन सी कंपनी की है। तो आप प्रेस को आप प्रेस से याद कर सकते हैं। क्लियर हो रही है बात? फिर हम बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट लेते हैं आपका अगला वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है आपका यहाँ पर ब्रिस्क। क्या है आपके सामने अगला वर्ड, ब्रिस्क। ब्रिस्क का आपका जो मीनिंग होता है वो क्या होता है, फुर्तीला। क्या होता है, फुर्तीला। तो आपको याद कैसे करना है, ब्रिस्क को याद कर लो आप रिस्क से। कैसे, पहले इसके वो बता देते हैं, जो आपका ब्रिस्क है ऐसा क्या मीनिंग होता है आपका, फुर्तीला, जिसको आप क्या बोल सकते हो, क्विक। क्या बोल सकते हो इसको, क्विक। याद करने की जो उसकी ट्रिक है, दिख रहा होगा, हाँ, याद करने की जो ट्रिक है वो आप याद कर लो रिस्क से। किससे, रिस्क से। अब देखो ब्रिस्क में से रिस्क निकल करके आ रहा है, ब्रिस्क में से रिस्क निकल करके आ रहा है, तो आप क्या बोलोगे भाई, जो रिस्क ले सकता है, जो रिस्क ले सकता है वो कैसा है, बड़ा ही तेज है, बड़ा ही फुर्तीला है, बड़ा ही तेज है, बड़ा ही तेज है, बड़ा ही फुर्तीला है। तो जो रिस्क ले सकता है वो कैसा है, बड़ा ही तेज है, बड़ा ही फुर्तीला है। क्लियर हो गई बात यहां तक? इस बात को जरा आप खास ख्याल रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फिलहाल जो है फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पढ़ते हैं अपन आगे। इतने में जो है अपने मार्कर में इंक को रिफिल कर लेता हूं। तो यहां पर जो है आपका साथ साथ रिवीजन होता जा रहा है, और खास बात यह है कि आपको जो है ना आज क्या मिल रही है, यहां पर ट्रिक मिल रही है। क्या मिल रही है आपको, साथ साथ ट्रिक। समझ में आ रहा है? चलिए शाबाश।
हाँ, तो यहाँ पर देखिए आपको यहाँ जो साथ साथ जो है वो ट्रिक मिल रही है, साथ साथ आपको पूरा आपका रिविजन होता जा रहा है। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 14 मैं यहाँ पर बताता हूँ आपको। अब 14 पर आ गए, 13 आप कंप्लीट हो चुके हैं, 14 पर आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ब्रिक्स तक हो गया आपका, ठीक है, ब्रिक्स तक हो गया, सॉरी 14 हो गया, 15 पर आते हैं। ठीक है, तो आपका जो 15 नंबर है वो क्या दे रखा है आपको, ब्लिस्टर। क्या दे रखा है आपको, ब्लिस्टर। प्रश्न क्या मीनिंग होता है आपका, फफोला या घाव, जिसको आप क्या बोलते हो, जख्म बोलते हो ना, कि भाई मेरे को जख्म हो गया, मेरे को क्या पड़ गए, ब्लिस्टर पड़ गए। क्लियर हो रही है बात। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ, है ना। इसकी कोई खास ट्रिक मेरे को नजर नहीं आई, आप इसको जनरली याद कर लीजिएगा। ब्लिस्टर क्या मीनिंग होता है आपका, फफोला या घाव। मैं देखिए आपको वही ट्रिक बताता हूँ जो वास्तव में अच्छी होती है, जिसको आप लगता है कि हाँ भाई खामो का मैं उल्टा सीधा कनेक्ट कर दूं तो इससे कोई मजा नहीं है, तो अच्छी होगी। बाकी सोच करके इसके बारे में फिर आपको बताऊंगा। क्लियर। अगला है आपका बारबेरिक। बारबेरिक का जो मीनिंग होता है वो क्या होता है आपका, असभ्य। क्या होता है, असभ्य। असभ्य को क्या बोलते हो आप, अनसिविलाइज्ड। क्या बोलते हो आप, अनसिविलाइज्ड। क्लियर हो रही है बात। तो याद रखेंगे बारबेरिक का क्या मीनिंग होता है, सभ्य, जिसको क्या बोलते हो, अनसिविलाइज्ड। याद कैसे करना है, आप बारबेरिक को जरा ध्यान से देखो तो इसको दो पार्ट में आप तोड़ सकते हो। कैसे, बार बार, जो बार बार आपको परेशान करे, जो बार, मान लो आप कुछ पढ़ रहे हो, कोई बार बार आकर के आपको टोंट कस रहा है, आपको परेशान कर रहा है, तो आप क्या बोलोगे कि भाई बार बार मेरे को आपके परेशान कर रहा है, इनकी वो कैसा है, अनसिविलाइज्ड है, असभ्य है। क्लियर हो रही है बात यहां तक, है ना। तो वो कैसा है, असभ्य है, क्योंकि वो क्या कर रहा है, बार बार आपको परेशान कर रहा है। क्लियर हो रही है बात। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर आपका जो 17 यहां पर दे रखा है वो क्या दे रखा है आपका, सेशन। क्या दे रखा है, सेशन। सेशन का जो मीनिंग होता है वो क्या होता है आपका, समाप्ति। क्या होता है, समाप्ति। समाप्ति को आप क्या बोलते हो, एंड, है ना, एंड बोलते हो। अब देखो उसको याद करने की ट्रिक, अगर आपने देखो आपने सुना होगा कि सेशन होने वाला है, कांग्रेस का सेशन होने वाला है, बीजेपी का सेशन होने वाला है, तो ये जो सेशन वर्ड है वो ये वाला सेशन नहीं है, वो आपका दूसरा सेशन होता है। कौन सा वाला सेशन होता है, वो एस वाला, SESSION है, इसको बोलते हैं सेशन, जिसको आप क्या बोलते हो, अधिवेशन बोलते हो। तो आप इस सेशन को इस सेशन से याद कर लेना, आप बोलना कि हाँ भाई इस सेशन की क्या हो रही है, समाप्ति हो रही है। तो आज के सेशन में हम क्या कर रहे हैं, आज के सेशन में हम किस क्या खत्म करने वाले हैं, पूरे हफ्ते का रिवीजन। तो आज के सेशन में हम पूरे हफ्ते का क्या करने वाले हैं, रिवीजन जो यहाँ पर करने वाले हैं। तो यहाँ पर आप सेशन को सेशन की ट्रिक से याद कर लेना। क्लियर हो रही है बात। नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। अगला वर्ड है यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 18, डेटर। क्या है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 18, डेटर। डेटर का क्या मीनिंग होता है, बाधा डालना, किसी भी काम में रुकावट करना, बाधा डालना, या टू हिंडर। अगर आपने कार्टून नेटवर्क देखा हो अपने बचपन में, तो आपने एक कार्टून जरूर देखा होगा, डेक्स्टर, है ना, डेक्स्टर वाला था, जिसमें वो क्या होता था, एक डॉक्टर हुआ करता था, वो बहुत एक्सपेरिमेंट करता था, और उसकी सिस्टर जाकर के सारे एक्सपेरिमेंट को खराब कर देती थी। तो डेक्स्टर जो था, उसकी बहन सारे उसके जो एक्सपेरिमेंट थे उसमें क्या डाल देती थी, रुकावट डाल देती थी। तो आप जो है डेटर को याद कर लेना डेक्स्टर से, ठीक है। वो क्या करता था, आपके सारे कामों में रुकावट जो है वो डाल दिया करती थी, तो वहां से जिसको याद कर सकते हैं। क्लियर हो गया, जिसको समझ में आ जाए इस से वो याद कर ले, नहीं तो कोई डायरेक्ट याद कर ले, ठीक है। क्लियर हो गई बात। तो फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ आपके 18 वर्ड हो गए हैं, थोड़े से वर्ड और बच रहे हैं, उसके बाद फिर इडियम पर आते हैं। देखिए मजा ही है इस क्लास में कि आप लोग पूरा रिवीजन कर लेते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपने आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए तो नेक्स्ट वर्ड यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चन नंबर जो 19 है वो क्या है आपके सामने, एक्सोनरेट। क्या है आपके सामने, एक्सोनरेट। एक्सोनरेट का जो मीनिंग होता है वो क्या होता है आपका, दोष मुक्त करना, यानी किसी को दोष मुक्त कर देना कि भाई अब जा, तेरा कोई दोष नहीं है, अब जो तेरे को दोष मुक्त कर दिया गया, यानी कि छोड़ दिया गया, यानी कि क्या कर दिया गया, एब्सॉल्व कर दिया गया। क्लियर हो रही है बात। अब एक बात आप याद रखिए कि एक्सोनरेट का क्या मीनिंग होता है आपका, दोष मुक्त कर देना, यानी कि एब्सॉल्व करना। क्लियर हो रही है बात। तो अब एक्सोनरेट को आप याद कर लो कि एक्स
अब आप समझ जाओ ये x कौन सा वाला होता है। x को आपने कैसा कर दिया, भाई जा अब मैं जो है वो पढ़ाई में ध्यान दूंगा, अब मेरे को कोई चिंता नहीं है, अब तू जा कुछ भी कर, ठीक है। अब ये कोई भी x हो सकता है, आप समझ जाओ, है ना, इशारा काफी है सभी लोगों को। तो आप बोलो कि x, तो अपने x को बोलो कि भाई अब मेरे को क्या करना है, मेरे को पढ़ाई करनी है, ठीक है। तो अब मेरे को पढ़ाई करनी है तो मेरे को कोई जरूरत नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ, तुझको बरी करता हूँ, या तुझको बरी करता हूँ, करती हूँ, ठीक है, जो भी आप समझ जाए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए याद करने का तरीका बहुत अच्छा तरीका है, ये ऐसी बात है बहुत अच्छी, जल्दी जल्दी से याद हो जाती है आपको, ठीक है ना। नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं, अगला वर्ड है आपका यहाँ पर फ्लंग। फ्लंग का आपका मीनिंग होता है फेंकना, इसको आप क्या बोलते हो, थ्रू, क्या बोलते हो, थ्रू, क्लियर हो रही है बात, है ना। तो फ्लंग मतलब फेंकना, तो फ्लंग को आप याद कर लो पलंग से, हिंदी वाला पलंग होता है ना। तो कभी कभार अगर आपको गुस्सा आ जाए तो अक्सर क्या करते हो, आप पलंग को उठा करके फेंक देते हो गुस्से में, तो आप याद कर लो फ्लंग को पलंग से, क्लियर हो रही है बात। फिर हम अपन लोग आगे बढ़ते हैं, तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं। ओके, तो नेक्स्ट वर्ड मैं आपके सामने लिखता हूं, अगला वर्ड है यहां पर क्वेश्चन नंबर 21, क्या है आपके सामने, फेच। क्या है आपके सामने अगला वर्ड, फेच। फेच का मतलब होता है लेकर आना, है ना, जाकर लाना, क्या होता है, जाकर लाना, क्लियर हो रही है बात। अब आपको फेच को याद करना है, इसका जो सिनोनिम है वो क्या होता है आपका, ब्रिंग। देखिए फेच को जो है आप लोग याद करने का जो तरीका सबसे अच्छा यही है कि आप जो है कभी भी अपने किसी छोटे भाई से या अपने दोस्त से एक दो बार बस ऐसे बोल देना, अरे राहुल यहां सुन यार, प्लीज फेच द वॉटर, है ना, प्लीज फेच द वॉटर, या प्लीज फेच द बॉटल ऑफ वॉटर, है ना। इस तरीके से क्या है आप बोलना कि भाई प्लीज जो है पानी की जो बोतल है वो लेकर के आ जा, प्लीज मेरे लिए पानी लेकर के आ जा। तो आप एक दो बार फेच द वॉटर बोलोगे ना तो आपको ये वर्ड ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा, क्लियर हो रही बात। अगर अब हम बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर आपको 22 की तरफ, अगला है आपका अवर्जन। क्या है आपके सामने अगला, अवर्जन। अवर्जन का मतलब होता है किसी भी चीज से घृणा, घृणा करना, क्या करना, घृणा करना, जिसको आप क्या बोलते हो, डिसलाइक। अब आपको अगर अवर्जन को याद करना है तो आप ध्यान से देखो यहाँ क्या छुपा हुआ है, वर्जन, क्या छुपा हुआ है, वर्जन। तो आप क्या बोलते हो, दुकान पे जाते हो बुक लेकर के, फोन का फोन लेने जाते हो, बोलते हो कि भाई मेरे को ये वाली जो बुक है इसका ये वाला जो वर्जन है, जो 2019 वाला जो एडिशन है, 2017 वाला जो वर्जन है वो मेरे को पसंद नहीं आया। तो आप इस तरीके से चीजों को बोलते हो कि भाई मेरे को 2017 वाला जो वर्जन है वो मेरे को पसंद नहीं आया, मेरे को 2018 वाला दो। इस तरीके से आप वहां से अवर्जन को वर्जन से याद कर सकते हो। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बढ़ते हैं फिर आगे। शाबाश, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, तो नेक्स्ट चलिए आपके सामने बढ़ते हैं। अगला वर्ड है आपके सामने क्वेश्चन नंबर यहां पर आपका 24। क्या है 24? 24 आपका क्या है, कॉन्स्क्रिप्ट। क्या है आपके सामने, हो सकता है एक आधा नंबर आगे पीछे हो गया, एडजस्ट कर लेना। कॉन्स्क्रिप्ट, कॉन्स्क्रिप्ट का आपका जो मीनिंग होता है वो क्या होता है, किसी भी चीज की अनिवार्य भर्ती, क्या होता है, अनिवार्य भर्ती, ठीक है। आप इसको क्या बोलते हो, आप ड्राफ्ट, क्या बोलते हो, ड्राफ्ट। इसको क्या होता है, ड्राफ्ट सिनोनिम होता है। याद करने की ट्रिक अगर आप ध्यान से देखो तो कॉन्स्क्रिप्ट में क्या छुपा हुआ है, स्क्रिप्ट, क्या छुपा हुआ है, स्क्रिप्ट। तो जब भी जो है अगर आपको फिल्म इंडस्ट्री में एक अच्छा राइटर बनना है तो पहले आपकी जो स्क्रिप्ट है उसको देखा जाएगा, तब वो आपकी स्क्रिप्ट को लेकर के आपकी क्या की जाएगी, वहां पर भर्ती की जाएगी, क्लियर हो रही बात। तो कॉन्स्क्रिप्ट को याद कर लेना आप स्क्रिप्ट से, ठीक है। अगला वर्ड लिखते हैं यहाँ पर 25 नंबर आपका, डिस्पैरिटी। क्या है आपके सामने अगला वर्ड, डिस्पैरिटी। डिस्पैरिटी का आपका जो मीनिंग होता है वो क्या होता है, असमानता, क्या होता है, असमानता, जिसको आप क्या बोलते हो, डिफरेंस, क्या बोलते हो आप, डिफरेंस, क्लियर हो रही बात। तो डिस्पैरिटी को आप याद कर लेना, डिस पर, किस पर, डिस पर, डिस पर जो है, जैसे आपके डिस मतलब जो आपके केबल कनेक्शन रहता है, जो आप टीवी देखते हो, तो डिस पर अलग अलग चैनल आते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के अलग अलग डिफरेंस के चैनल आते हैं, तो डिस्पैरिटी को आप याद कर लेना डिस पर से। बड़ी शानदार ट्रिक है, बड़ी बिंदास ट्रिक है, क्लियर हो रही बात। अगला वर्ड लेते हैं यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चन नंबर 26, इन काउंटर। इन काउंटर जिसका क्या मीनिंग होता है आपका, मुठभेड़। ये सारे आपके प्रीवियस ईयर एसएससी में आए क्वेश्चन है, इसको आप क्या बोलते हो, पेस्ट, है ना। जब मुठभेड़ होती है चोर पुलिस की तो वो कैसे हो जाते हैं, एक दूसरे के आमने सामने हो जाते हैं, तो आप इनकाउंटर को याद कर लेना फेस से, क्लियर हो रही है बात। इसके लिए कोई खास ट्रिक नहीं, क्योंकि ये बड़ा आप अच्छे से जानते हैं।
अगला वर्ड है कि आपका यहाँ पर गाइल, क्या है आपके सामने अगला वर्ड? गाइल। गाइल का आपका जो मीनिंग होता है वो क्या होता है आपका? चालाक। जब कोई भी जो है चालाक होता है, जब कोई भी चालाक होता है, क्या होता है? कनिंग होता है, तो आप वहां पर क्या यूज करते हैं? गाइल। ठीक है, इसको याद करने की बड़ी जबरदस्त, गाइल को आप याद कर लो क्रिस गेल से। किससे? क्रिस गेल से। क्रिस गेल कैसा है? कैसा है क्रिस गेल? बहुत ही चालाक है, कैसे छक्के मारता है, कितने ऊंचे ऊंचे। तो आप गाइल को याद कर लो क्रिस गेल, गाइल क्रिस गेल। और क्रिस गेल कैसा है? चालाक है, जो फील्डर होता है उनके ऊपर से बॉल निकाल देता है और छक्के मार देता है। क्लियर हो रही बात? तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लेके बढ़ते हैं फिर हम आगे। ठीक है, शाबाश। ओके, चलिए अगले वर्ड की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 लेंगे। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 27 है यहाँ पर आपके सामने। इनडायरेक्ट, क्या है आपके सामने? इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट का जो मीनिंग होता है वो क्या होता है आपका? दोषारोपण करना। क्या होता है? दोषारोपण करना, किसी पे आरोप लगाना। यानी कि आप क्या बोल सकते हो इसको? चार्ज। क्या बोल सकते हो? चार्ज। तो कैसे आप जो है वो अक्सर इनडायरेक्टली क्या कर सकते हो? इनडायरेक्टली क्या करते हो? दूसरे पर आरोप लगा देते हो। कैसे लगाते हो इनडायरेक्टली? इनडायरेक्ट को आप याद कर लो इनडायरेक्टली से, या इंडिका कार को, इंडिका कार से भी आप याद कर लो इससे। इनडायरेक्ट इंडिका, सेम साउंड कर रहा है, सेम सी स्पेलिंग है ना? इनडायरेक्ट इंडिका। कैसे इंडिका? मान लो आप इंडिका कार लेकर के आए और आपकी कार पे किसी ने एक्सीडेंट कर दिया, किसी ने ठोक दी उसकी आपकी कार, तो क्या हुआ? तो आप क्या बोलोगे? भाई मेरी कार जो है किसी ने टक्कर मार दी है, इसको क्या कर दिया? स्क्रैच आ गए। अब मैं जो है दूसरे पर क्या कर रहा हूँ? आप आरोप लगा रहे हो कि भाई मेरी कार कैसे तोड़ी, कैसे कर रहा था ड्राइव। इस तरीके से आप इस तरीके से याद कर सकते हो। बाकी आप इनडायरेक्टली भी याद कर सकते हो। इनडायरेक्टली क्या है, आप पर क्या कर दिया गया? चार्ज लगा दिया गया, आपको फंसा दिया गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ बढ़ते हैं। अगला वर्ड है यहाँ पर आपका लैंग्वेज। क्या है आपका? लैंग्वेज। लैंग्वेज का क्या मीनिंग होता है आपका? कमजोर, थका हुआ, कमजोर है, थका हुआ है, या सुस्त है। क्या है? सुस्त है। इसको आप क्या बोल सकते हो? लिदार्गी। क्या बोल सकते हो? लिदार्गी। क्लियर हो रही है बात? तो लिदार्गी क्या मीनिंग होता है आपका? कमजोर है, कैसा है? कमजोर है, थका हुआ है, या सुस्त है। अगर आप ध्यान से देखें तो ये लिखा हुआ है आपका लैंग्वेज। ये क्या है आपका? लैंग्वेज। लैंग्वेज जो है वो साउंड कैसा कर रहा है? लैंग्वेज जैसा। लैंग्वेज साउंड्स लाइक लैंग्वेज। अगर आप पता हो तो अगर मैं यहाँ पर लैंग्वेज के आगे क्लास और जोड़ दूं, जो लैंग्वेज की जो क्लास होती है वो कैसी होती है? बड़ी थकी हुई सी होती है। अगर ये लैंग्वेज की क्लास देखी है, अरे बहुत बोर हो जाता है, इसमें स्टोरी वगैरह सुनते हैं क्या हो जाता है? बहुत ज्यादा बोर हो जाते हैं। तो लैंग्वेज की क्लास बड़ी बोर रहती है। अगले वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। अगला वर्ड आपके यहाँ दे रखा है लिदार्गी, है ना? यही वाला दे रखा है। क्या दे रखा है? लिदार्गी। तो लिदार्गी का क्या मीनिंग हो जाएगा? सुस्त, आलस, है ना? इसको क्या बोलते हैं? लेजी। तो यहाँ पर आप लिदार्गी क्या हो जाएगा? ये अगला वर्ड ही दे रखा है लिदार्गी। क्लियर हो रही है बात? ओके, तो यहाँ फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जितने भी आपके मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, तीन दिन जो आपके सिनोनिम कराए गए थे वो आपके फटाफट से मैंने कंप्लीट करा दिए हैं। बस ईडीएम के ऊपर बात है, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम ईडीएम की तरफ बढ़ते हैं। क्लियर हो रही है बात? ओके, शाबाश। तो अब आपके सामने आपके ईडीएम आने वाले हैं, सब लोग तैयार रहेंगे ईडीएम के लिए। ठीक है, तो ये आपके मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे तीन दिन के सिनोनिम करा दिए हैं। अब आपके सामने ईडीएम आ चुके हैं, देखते हैं हमारे सामने यहाँ पर क्या ईडीएम है। ठीक है, तो जिसको मैं ऑलरेडी समझाऊंगा समझते रहेंगे। पहला है आपके सामने आ डार्क हॉर्स, उसका लिखा हुआ है एन अननोन एंट्री। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? छुपा रुस्तम, जिसके बारे में ना हो, जिसके बारे में पता ना हो और वो जीत जाए, इसको क्या बोलते हैं? अप्रत्याशित विजेता। इसको आप क्या बोलते हैं? अप्रत्याशित विजेता। तो राइट आंसर हमारा क्या? डायरेक्ट आंसर दे रखा है यहाँ पर, एन अननोन एंट्री। सेकंड की तरफ बढ़ते हैं, तो ये आपका दे रखा है एज द क्रो फ्लाइज। एज द क्रो फ्लाइज का मतलब होता है जब भी कोई बिल्कुल सीधी बात होती है, सीधे उड़ने के बारे में बात होती है, तो वहां पर आप क्या बोलते हैं? एज द क्रो फ्लाई, बिल्कुल स्ट्रेट वे में, बिल्कुल सीधे तौर पे। क्लियर। अगला है आपका अ फ्लाइंग विजिट। अ फ्लाइंग विजिट का मतलब होता है एक छोटा सा दौरा, एक संक्षिप्त दौरा, जिसको आप क्या बोलते हो? अ वेरी शॉर्ट विजिट। ये सारी चीजें आपको इमेजेस से बकायदा हर एक तरीके से आपको याद कराई गई है। मंडे टू फ्राइडे वाले आपकी क्लास में सब चीजों को इमेज से सबसे याद कराया गया है, लेकिन यहाँ के आपका सैटरडे, तो इसलिए चीजों को थोड़ा सा तेज और फास्ट और शॉर्टकट में कर रहे हैं। फोर्थ नंबर का आपका जो ईडीएम है वो क्या है आपका? ऑल थम्स। ऑल थम्स का मतलब होता है बिल्कुल बेढंगा अंगूठा टेक, जिसको आप क्या बोलते हैं? क्लमसी।
क्वेश्चन नंबर फिफ्थ आपके सामने है, क्या है? ऑल मूनशाइन। ऑल मूनशाइन का मतलब होता है आपका कॉनकॉक्टेड, जिसका मतलब क्या होता है, मनगढ़ंत। जैसे कि आपकी कहानी वगैरह सुनी होंगी आपने बचपन में, छोटे से मनगढ़ंत कहानी आपको सिखाई जाती है, बताई जाती है। सर नेक्स्ट ईमेल लगाएंगे। ओके, तो नेक्स्ट इमेज आप सभी के सामने यहां पर आ चुकी है। हाँ, तो नेक्स्ट इमेज में क्या है आपका, हाँ क्या है आपके सामने, अ हार्ड नट टू क्रैक। अ हार्ड नट टू क्रैक का मतलब होता है एक डिफिकल्ट टास्क, एक बड़ा मुश्किल काम। क्लियर? तो ये आपका क्वेश्चन नंबर सिक्स हो जाता है। क्वेश्चन नंबर सेवन है आपका अ चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक, जिसका मतलब क्या है यहाँ पर, एक चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक को आपको मैंने याद कराया था, मोबाइल के फोन से और चिप से। चिप आप हो, मोबाइल फोन आपके फादर हैं, यानी कि आपके अंदर मोबाइल का डेटा आएगा, यानी कि आपके अंदर आपके फादर से जो कैरेक्टर है वो आएंगे। तो इसको क्या बोलते हैं, जो अपने पिताजी कैरेक्टर जैसा होता है उसको आप क्या बोलते हो, क्या बोलते हो, अ चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक। बढ़ते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके सामने बाय फिट्स एंड स्टार्ट, इसका क्या मीनिंग होता है, इरेगुलर। जो पढ़ाई में आपका इरेगुलर हो, इसके अंदर इरेगुलरिटी, उसको आप क्या बोलते हो, इरेगुलर, यानी अनियमित। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर कैरी आउट। कैरी आउट का क्या मीनिंग होता है, किसी भी काम को पूरा करना, कंप्लीट करना, कंप्लीट समथिंग के लिए आप यूज करते हो कैरी आउट। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है क्लोज द बुक ऑन, जो आप बात करते हो क्लोज द बुक ऑन, यानी आप किसी काम को बंद करने के बारे में बात करते हो, तो यहाँ पर आपका क्या है, स्टॉप समथिंग, स्टॉप, जो चीजों को बंद कर दे उसको क्या बोलते हैं, क्लोज द बुक ऑन। सर नेक्स्ट इमेज, सर नेक्स्ट इमेज लगा दीजिए। अच्छा लग गई है 11। हाँ ओके ओके। हाँ, तो जैसे कि आपके सामने नेक्स्ट इमेज आ चुकी है, यहाँ पर आपका idiom दे रखा है फॉर गुड। फॉर गुड का मतलब होता है हमेशा के लिए। या आपको याद कराया था कि आपको वोकैबुलरी कैसी है, हमेशा के लिए याद करनी है, परमानेंटली याद करनी है ना। अगला यहाँ पर अंडरलाइन पार्ट नहीं है, लेकिन आप याद कर लीजिए, प्रेसिडेंट के बाद दिया गया गेव अवे। जो गेव अवे वाला सेक्शन है ये आपका अंडरलाइन पार्ट है, इसको आप बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूट करना। गेव अवे का मीनिंग होता है किसी भी चीज को बांटना, प्राइस को बांटना, टॉफी को बांटना, चॉकलेट को बांटना, वहां पर आप यूज करते हैं गेव अवे। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने ग्रीस एनीबडीज पाम, इसका मतलब होता है आपका रिश्वत देना, किसी को घूस देना, उसके लिए आप क्या यूज करते हो, ग्रीस द पाम। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने गिफ्ट ऑफ द गैप, गिफ्ट ऑफ द गैप का मतलब होता है कि आपका बहुत अच्छा बोलना, एबिलिटी टू स्पीक वेल, जो बहुत अच्छा बोलता है उसको क्या बोलते हैं, गिफ्ट ऑफ द गैप। 15 नंबर आपका है बट इन, बट इन का मतलब होता है किसी काम में रुकावट पैदा करना, बाधा डालना, इसको आप क्या बोलते हैं, इंटरप्ट। सर नेक्स्ट इमेज लगाएंगे। Okay. जैसे कि आपके सभी के सामने क्वेश्चन नंबर 16 आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 16 है यहाँ पर, आप अंडरलाइन पार्ट कर लीजिएगा, बर्न्ड हिज फिंगर, इसका क्या मीनिंग होता है आपका, खुद का नुकसान कर लेना, खुद को परेशानी में डाल लेना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने है फिट ऑफ द ब्लूज, फिट ऑफ द ब्लूज का मतलब होता है जब किसी का बहुत ज्यादा नुकसान हो जाए, कोई परेशानी आ जाए, तो और वो डिप्रेशन में चला जाए, उदासी में चला जाए, तो उसको क्या बोलते हैं, फिट ऑफ द ब्लूज। क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने होल्ड योर टंग, जिसका मतलब होता है शांत रहना, चुप रहना, इसको आप क्या बोलते हो, बी साइलेंट। क्वेश्चन नंबर 19 यहां पर है आपके सामने हेलेगन डेज, क्वेश्चन नंबर 19 में आप अंडरलाइन कर लीजिएगा हेलेगन डेज, इसका क्या मीनिंग होता है आपका, हैप्पी डेज, बहुत अच्छे दिन, जब आपकी नौकरी लग जाएगी, तो जब आपकी नौकरी लग जाएगी और आपकी ज्वाइनिंग के बीच का जो टाइम होगा बड़ा अच्छा होगा, आप मस्ती से घूमोगे, कोई टेंशन नहीं रहेगी, तो वो दिन होंगे आपके हैप्पी डेज। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका लाइव वायर, इसका क्या मीनिंग होता है आपका, एनर्जेटिक, यानी कि बहुत ज्यादा ऊर्जामय होना, बहुत ज्यादा एनर्जी होना। क्लियर हो रही बात? तो यहां हमने कवर किए आपके लगभग 40 नहीं, लगभग आपके 50, है ना, 30 आपकी वोकैब हो गई, आपके 20 आपके ईडीएम हो गए, तो यहां पर हमने 50 के आसपास मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी वोकैबुलरी को कवर किया, जिसमें हमारे 20 क्या थे, ईडीएम थे, और 30 के आसपास हमारी क्या थी, वोकैबुलरी थी। तो क्लियर हो रही है बात? तो एक सैटरडे की स्पेशल क्लास हमने बहुत अच्छा यहाँ पर कवर किया। सभी बच्चों को अगर बात पसंद आ रही हो तो सभी लोग पक्का लाइक करेंगे। देखो आज की मेहनत करी तो पक्का आपको लाइक करना पड़ेगा, ठीक है, ये गुरुदक्षिणा है, यही हमको चाहिए। और क्लास के लास्ट में जाकर के आप सभी प्यारे भाइयों को, प्यारी बहनों को बताना पड़ेगा कि उनको क्लास कैसी लगी है, फीडबैक जरूर दीजिएगा आपको ये क्लास कैसी लगी है। तो आपके लाइक से, आपके कमेंट से बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है, जैसे हम लोग जो एनर्जी है वो आपका प्यार है, और आप अपना प्यार आपके लाइक से, आपके अपने कमेंट से दे सकते हैं। ठीक है, तो मिलेंगे आप चाहने वाले आपकी अगली क्लास में, जरूर बताइए आपको क्लास कैसी लगी है। जय हिंद, जय भारत।